नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ से है और इस क्वेश्चन को जो है बिहार बोर्ड 2023 में पूछा था और ये क्वेश्चन नंबर 56 है और इस क्वेश्चन में जो टाइप है वो ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया कि 10 थीटा वर्टा 6 थीटा -1 प्लस 10 थीटा वर्टा 6 थीटा +1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10 थीटा बट्टा 6 थीटा -1 प्लस 10 थीटा बट्टा 6 थीटा +1। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर होगा 6 थीटा -1 इंटू 6 थीटा +1, मतलब ये जो है गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब इस 6 थीटा -1 से जो है इसमें भाग देंगे तो ये वाला पार्ट जो है कट जाएगा। यहाँ देखिए लिखते हैं यहाँ पर 6 थीटा -1 इंटू 6 थीटा +1 बट्टा में जो है क्या होगा तो 6 थीटा -1। तो इसमें जो है इससे भाग दिया है तो ये जो है कट जाएगा ये पार्ट, तो क्या बचेगा तो 6 थीटा +1। और भिन्नजोड़ के नियम के अनुसार जो है जो बच जाता है जो भागफल आता है उसको जो है ऊपर वाले के साथ गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है गुना करेंगे और लिखेंगे 10 थीटा इंटू 6 थीटा +1। यहाँ देखिए प्लस, फिर जब इससे जो है इसमें भाग देंगे तो ये पार्ट जो है कट जाएगा और बचेगा क्या तो 6 थीटा -1, और जो भागफल रहेगा उसको जो है ऊपर वाला साथ गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे 10 थीटा इंटू 6 थीटा -1। अब यहाँ देखिए ये 10 थीटा जो है दोनों में है तो ये जो है कॉमन आ जाएगा तो इसको जो है ऊपर बनाते हैं। यहाँ देखिए 10 थीटा जो है कॉमन ले लेंगे तो रहेगा 6 थीटा +1 प्लस 6 थीटा -1 बट्टा, यहाँ देखिए ये जो है a-b इंटू a+b के रूप में है, इसको ले सकते हैं a² - b², मतलब होगा ये sec²θ-1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे sec²θ-1, वैसे होगा sec²θ-1² और हम लोग जानते हैं कि 1² कितना होता है तो 1 होता है, इसीलिए जो है आप लिखे हैं 1। अब देखिए यहाँ पर 10 थीटा ये +1 -1 कट गया और sec θ + sec θ क्या होगा तो 2 sec θ होगा बट्टा sec²θ-1 क्या होगा तो 10 स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ देखिए ऊपर में जो है एक वो 10 है और नीचे में जो है 10 स्क्वायर थीटा है तो एक जो है यहाँ पर नीचे में रह जाएगा भागफल के रूप में। जब हम लोग 10 स्क्वायर में जो है 10 थीटा से भाग देंगे तो कितना रहेगा तो 10 थीटा रहेगा। और यहाँ पर जो है लिखेंगे यहाँ देखिए 2 sec θ / 10 θ। अब देखिए इसको जो है लिख सकते हैं sin θ / cos θ, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 sec θ / sin θ / cos θ और ये cos θ जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sec θ * cos θ और ये नीचे में जो sin θ है इसको क्या लिखेंगे तो cos θ। अब देखिए यहाँ पर 2 गुने होगा sec θ * cos θ क्या होता है तो 1 होता है तो 2 × 1 2 × 1 × क्या होगा तो cos θ और ये बराबर होगा 2 cos θ के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये ऑप्शन सी जो है सही होगा।